नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंक में। दोस्तों फाइनली अपना टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को इस क्रेडिट कार्ड की अनपैकिंग, इसका पिन कैसे जनरेट करते हैं, कार्ड को कैसे एक्टिवेट करते हैं, साथ ही इसके सभी फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग प्लीज एंड तक जरूर देखना। साथ ही आप लोग को ये भी बताएं कैसे मैंने इसको अप्लाई किया था, जो कि आप लोग भी कर सकते हो। अभी के टाइम ये लाइफ टाइम फ्री बेसिस पे दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग को अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि भाई ये रुपए नेटवर्क पे दिया जा रहा है। तो आप लोग को पता है कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग के पास रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड है, तो उसे आप लोग UPI पे लिंक करके पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास करीब एक हफ्ते पहले ही आया था, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। और सबसे पहले तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो इसका अप्लाई करने का जो मेथड है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप लोग देख सकते हो कैसे आप लोग इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इस कार्ड की सबसे पहले अनपैकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए HDFC बैंक लिखा गया है, साथ ही यहाँ पे टाटा न्यू कार्ड की ब्रांडिंग की गई है। तो चलिए अब यहाँ से मैंने देखो यार बहुत ही बुरे तरीके से इसको फाड़ डाला है, लेकिन आपको अनपैकिंग बहुत ही प्यार से करनी है। कुछ इधर से देखिए ये बना हुआ है इसको खोलने के लिए लिफाफे को, इधर से देखो ये क्या हाल मैंने किया हुआ है। तो चलो आपको दिखाते हैं लिफाफे के अंदर और क्या क्या आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे HDFC बैंक की तरफ से ये टर्म्स एंड कंडीशन का लंबा चौड़ा एक बुक दिया गया है, इसे आप टर्म्स एंड कंडीशन का एक बुक ही बोल सकते हो यार, क्योंकि ये देखो कितने पेज का है, मैं गिन भी नहीं सकता अभी प्रेजेंट टाइम में। तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको आप लोग को ऑलरेडी बता ही दूंगा। बाकी अगर आप लोग की इच्छा है तो आप लोग इसे खोलकर एक बार रीड कर लेना, नहीं तो ऐसे ही रहने देना, मैं तो इसे कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए सब कुछ ये सब इतना कबाड़ा दिया गया, ये देखो इतने कबाड़े देंगे, इसको आप साइड में करना। अब आ गया है अपना मेन पेपर यानी कि ये कार्ड। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर HDFC बैंक लिखा गया, साथ ही इसके जस्ट बगल टाटा न्यू कार्ड लिखा है, यानी कि टाटा न्यू के ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पे आप लोग का पता वगैरह लिखा गया है, इसके साथ ही यहाँ पे कार्ड नंबर और यहाँ पे लिमिट। तो मैं आप लोग को बताया था कि ये एड ऑन कार्ड है, यानी कि एक कार्ड के बेसिस पे जो दूसरा कार्ड फैमिली मेंबर को दिया था उस तरीके से ये दिया जा रहा है। तो उसकी जो लिमिट होगी वो जो आपके पहले कार्ड की होगी वही इस कार्ड की भी लिमिट होगी। तो मेरे कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो उसकी लिमिट भी 1 लाख रुपए है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे इसके बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में बताया गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवार्ड, ट्रेवल बेनिफिट्स, वेलकम बेनिफिट के रूप में आप लोग को 499 न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए 2% कैशबैक एंड न्यू कॉइन्स ऑन स्पेंड ऑन टाटा न्यू एप्लीकेशन एंड अक्रॉस पार्टनर टाटा ब्रांड्स, यानी कि अगर आप लोग टाटा न्यू एप्लीकेशन या फिर टाटा के जितने भी ब्रांड है ना उस पर अगर आप लोग शॉपिंग करते हो, स्पेंड करते हो, तो वहां पे आप लोग को 2% का कैशबैक देखने को मिलेगा। इसके साथ एडिशनल 5% का भी कैशबैक आप लोग को मिल सकता है अगर आप लोग टाटा न्यू एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हो। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, तो आप लोग को टोटल 7% का कैशबैक मिल सकता है अगर आप लोग टाटा न्यू एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हो। तो एंड लास्ट में आप लोग को मिल जाता है टाटा न्यू रुपे का ये क्रेडिट कार्ड। तो फाइनली ये रहा जी आपका टाटा न्यू रुपे प्लेटिनम कार्ड। तो इसका लुक कैसा आप लोग को लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा वाकई में पसंद आ रहा है यार। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि इसका लुक कैसा लग रहा है। सबसे ऊपर यहाँ पे टाटा न्यू की ब्रांडिंग की गई है, साथ ही ये चिप इनेबल क्रेडिट कार्ड आप लोग को मिल जाता है। और यहाँ पे NFC का साइन मिलता है, यानी कि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट आप लोग 5000 रुपये तक का इस कार्ड के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे रुपए की ब्रांडिंग की गई, यानी कि ये रुपए नेटवर्क पे क्रेडिट कार्ड आप लोग को मिल जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अपने UPI के थ्रू लिंक करके पेमेंट वगैरह स्कैन एंड पे जो भी आप लोग करते हो ना UPI के थ्रू, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू अभी आप लोग करते हो, अब आप लोग अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। यानी कि अगर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू अब UPI पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट में HDFC बैंक का लोगो दिया गया है। अगर बात करें इस कार्ड के बैक साइड की, तो यहाँ पे इसके पार्टनर ब्रांड्स के बारे में दिया गया है, साथ ही यहाँ पे जो मैंने अंगूठे से हाइड किया हुआ है ना, यहाँ पे इस कार्ड का कार्ड नंबर, इसका एक्सपायरी और CVV नंबर दिया गया। तो जी ये रहा टाटा न्यू कार्ड का फर्स्ट लुक, अब आपको बताते हैं कैसे इसको एक्टिवेट करना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोग को माई कार्ड्स ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करके OTP फिल करना है, OTP फिल करके आप लोग लॉग इन कर लोगे। तो यहाँ पे लॉग इन करने के बाद आप देखिए कि अभी मेरा जो HDFC का मिलेनिया कार्ड है वही केवल यहाँ पे शो कर रहा है, बट सबसे पहले आप लोग को ये कार्ड ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए ये कार्ड मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप लोग को
पहला कार्ड ऐड करना होगा, तो उसी तरीके से आप लोग को सेम प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग को कार्ड सबसे पहले ऐड करना होगा। बट अगर आप लोग का पहले से कोई कार्ड ऐड होगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ सबसे नीचे आपको एक मिनट थोड़ा पीछे करते हैं, तो यहाँ सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे ऐड का योर कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। इसके जस्ट बगल में आपको ये ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसी ऐड के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऐड करना है तो इसको आप लोग को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यानी कि जो भी नंबर है क्रेडिट कार्ड का उसका लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे फिल करना है, देन यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर का लास्ट 4 डिजिट फिल कर दिया, देन यहाँ पे ऐड पे अब आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ आप देखिए लिख कर आ रहा है एडेड, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है यानी कि अब आप लोग का क्रेडिट कार्ड माई कार्ड में ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे आप लोग को डन कर देना है, ये रेफरल कोड और कुछ भी आप लोग को ऑन वगैरह नहीं करना है। डन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे अब देखिए टाटा नियो कार्ड यहाँ पे शो करेगा। तो अभी आप सोच रहे हो कि टाटा नियो कार्ड ही क्यों शो करेगा, यानी कि पहले अगर कोई मिलेनिया वगैरह कार्ड हम ऐड किए तो वो नहीं शो करेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एरो का आइकन दिया हुआ है, जैसे आप लोग एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका दूसरा वाला कार्ड भी आ जाएगा एंड यहाँ पे पहला भी कार्ड आ जाएगा। तो अभी तक तो हमने आपको बताया कैसे आप लोग कार्ड को ऐड कर सकते हो, अब आपको बताते हैं कैसे एक्टिवेट करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले से कार्ड एक्टिवेट होके नहीं आता, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है, जो यहाँ टाटा न्यू लिखा हुआ है ना इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पे टाटा न्यू प्लस लिखा हुआ है, साथ ही यहाँ पे कार्ड नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अनबिल्ड अमाउंट, अवेलेबल लिमिट वगैरह सब कुछ शो होगा। तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए आप लोग को कार्ड कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक यूजेज ये पहले से ही ऑन है, तो इसको आप लोग एटीएम विड्रॉल को ऑफ कर देना, क्योंकि यार एटीएम विड्रॉल कार्ड के थ्रू यानी कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी, मतलब एक्सट्रीम लेवल का इमरजेंसी है, तो ही आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से कार्ड पैसे विड्रॉल करना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन स्पेंड जो है उसको ऑन कर देना है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप लोग शॉपिंग वगैरह करोगे ही, देन यहाँ पे मर्चेंट आउटलेट ये भी ऑन है। इसके अति अगर आप लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना चाहते हो तो उसको भी आप लोग ऑन कर देना, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो इसको आप लोग को ऑफ किए रहना है। देन यहाँ पे इंटरनेशनल यूजेज है, तो इंटरनेशनल यूजेज आप लोग को हमेशा ही ऑफ करके रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी फ्रॉड होते हैं वो इंटरनेशनल ही होते हैं, तो आप लोग को हमेशा ऑफ करके रखना है। जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कि आपको इंटरनेशनल पेमेंट करना है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, तो आपको फटाक से माई कार्ड्स एप्लीकेशन ओपन करना है, देन यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है और फटाक से ट्रांजेक्शन कर देना है। तो इतने के लिए अगर आप लोग मतलब थोड़ा सा आलस दिखाओगे तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो इसीलिए इसको हमेशा ऑफ करके रखना है। इंटरनेशनल का कोई भी पेमेंट आप लोग को ऑन नहीं करना है, सिर्फ डोमेस्टिक का जितना भी है, जितना भी ज़रूरत पड़े एटीएम छोड़ के ऑनलाइन स्पेंड, मर्चेंट आउटलेट, साथ ही कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप लोग को ऑन करके रखना है, क्योंकि मैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बहुत ही कम करता हूँ, तो इसको भी अभी ऑफ करके रख रहा हूँ। तो इस तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन आपको ऑन ऑफ करना है उसको ऑन ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है, देन आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे एक OTP आएगा, OTP को जैसे आप लोग फिल करते हो एंड सबमिट करते हो आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है यू एस सक्सेसफुली मॉडिफाइड कार्ड कंट्रोल सेटिंग ऑन योर क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे कार्ड नंबर दिया है, रेफरेंस नंबर दिया गया है, टाटा न्यू कार्ड दिया है, डेट एंड टाइम सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। देन यहाँ पे अब आप लोग को लास्ट में डन कर देना है। चलिए लास्ट में आप लोग को बता देते हैं कैसे आप लोग को इस कार्ड का पिन जनरेट करना है। तो देखिए पिन आप लोग 3 तरीके से जनरेट कर सकते हो, पहला है इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा मोबाइल बैंकिंग और तीसरा IVR यानी कि जो कस्टमर केयर नंबर होता है। तो सबसे सिंपल यही रहता है नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग थ्रू आराम से आप कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग को मोबाइल बैंकिंग के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग लॉगिन कर लोगे अपने मोबाइल बैंकिंग में, यहाँ सबसे ऊपर जो मेन्यू का ऑप्शन दिया गया है 3 लाइन्स, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। आफ्टर दैट यहाँ पे जो पे का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। पे के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे कार्ड्स वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना, जिसके बाद जितने भी आपके कार्ड्स होंगे इस सेक्शन में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए जो मेरा मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है सबसे ऊपर शो कर रहा है, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे टाटा न्यू प्लस का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो एरो का ऑप्शन दिया गया ना इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहीं पर आप लोग का बिल वगैरह सब कुछ शो होगा, और यहीं से आप लोग को पेमेंट भी करना है बिल का, अगर आप लोग HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करते हो। तो यहाँ पे देखिए चेंज पिन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है चेंज पिन के ऑप्शन पे।
तो यहाँ पे इसके बाद देखिए इंटर पिन इंटर इंटर पिन, यानी कि अब आप लोग को अपना जो न्यू पिन बनाना है वो यहाँ पे आप लोग को फिल कर देना है। देन यहाँ पे वही पिन एक बार फिर से री एंटर कर देना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, देन यहाँ पे कंफर्म कर देना है। और यहीं से आप लोग चेंज भी कर सकते हो और फर्स्ट टाइम भी यहीं से बना सकते हो। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मैंने 4 डिजिट का यहाँ पे पिन क्रिएट कर लिया, उसी को यहाँ पे भी फिल कर दिया और यहाँ पे भी री एंटर कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लिया। तो यानी यहाँ पे कन्फर्म करते हैं, इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आपने कार्ड से या फिर बैंक में रजिस्टर्ड किए होंगे ना, तो यहाँ आप देखिए वेरीफाई करने के लिए कंटिन्यू आप लोग को कर देना है। तो यहाँ पे OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू कर देना है। तो अभी आप देखते हो मैंने OTP यहाँ पे फिल कर दिया, देन यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी OTP फिल करके कंटिन्यू कर देंगे, देन आप लोग का पिन सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा या फिर फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हो तो बन भी जाएगा। यहाँ आप देखिए यू हैव सक्सेसफुली सेट योर क्रेडिट कार्ड पिन, योर ओल्ड पिन इज डीएक्टिवेटेड, बट हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम भी आप लोग यहीं से बना सकते हो और अगर आप लोग चेंज करना हो इन फ्यूचर तो यहीं से आप लोग चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आप लोग डन कर देना। ओके, तो अभी आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग को पिन जनरेट करना है, कैसे आप लोग को कार्ड एक्टिवेट करना है फर्स्ट टाइम, एंड इसके फीचर एंड एलिजिबिलिटी क्या है। तो फीचर्स और एलिजिबिलिटी और इसके और भी जो बेनिफिट्स हैं अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग एटलीस्ट लाइक एंड अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर देना और इसको अप्लाई जरूर करना आप लोग, क्योंकि ये अभी लाइफ टाइम फ्री बेसिस पे दिया जा रहा है। साथ ही ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही मिल जाता है कि रुपे नेटवर्क पे आप लोग को ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो गोल्डन चांस है। अप्लाई जरूर करना और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के एक चीज़ और भाई, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।